और बांग्लादेश उनका बाप का नहीं है, हमारे लोगों का भी है। बांग्लादेश के बेईमान अकृतज्ञ बोलें প্রদ্যুত মানিক। বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা এত মানুষ এমনিতেই চলে আসেনি, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়েছে, ধর্ষণ করা হয়েছে, এখনো পরিকল্পনা করে এসব করা হচ্ছে। অন্য কোনো দল প্রতিবাদ না করলেও আমি চুপ থাকবো না, জবাব দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ কিসি কা বাপ কা নেহি, কিন্তু বাংলাদেশে যা হচ্ছে এর অর্থ এই নয় যে ত্রিপুরার মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতে হবে, কারণ ত্রিপুরার মুসলিমরা আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের এই সহিংসতার প্রতিবাদ করবে বলে মনে করেন প্রদ্যুত মানিক। আর বাংলাদেশ উনকা বাপ কা নেহি, হামারে লোগো কা ভি, হামারা ভি রিয়াসত, তো ইয়ে নেহি চলেগা কি ও লোক জব ভি চাহে হাম লোগো কো মারে পিটে বলে যাও ইন্ডিয়া, হাম লোক কিউ যায়। জিস দেশ নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জিসনে আপনা জান দিয়া বাংলাদেশ কে লিয়ে উসকে উপর উনহোনে ক্যা ক্যা নেহি কিয়া। তো বাংলাদেশ মে পিছলে দিন সে চল রহা হ্যায় জব সে শেখ হাসিনা কা সরকার হটি হ্যায় অর নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আয়া হ্যায়, वहां में हमारे हिंदू बंगालीज तिप्रासा चाकमा मॉम मणिपुरी खासी गारो जयंतियाज कुकीज उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। और जो थोड़े दिन पहले हुआ है ये हमको क्लियरली लगता है कि ये प्लान्ड है, और अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है, नोआखाली में ये पहले हुआ, 40s में हुआ, 50s में हुआ, 60s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, चाकला रोशनाबाद में हुआ, कप्ताई डैम के तरफ उस समय बहुत जनजाति को हटाया गया, बंदरबन में हुआ, खागड़छड़ी में हो रहा है, ये कब तक चलेगा। जब भी मौका मिलता है हमारे माइनॉरिटीज को बताया जाता है कि ये आपका जगह नहीं है, आप यहां से हटिए, हम लोग क्यों हटेंगे, वो जगह हमारा है, हम लोग हजार साल से रहे हैं। और अगर बांग्लादेश अपना रवैया चेंज नहीं करता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सामने। बांग्लादेश आज वर्ल्ड का नंबर वन गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए। अगर कोई देश अपना माइनॉरिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिस्टमैटिकली उनका घर को जलाया जाता है, जहां में हमारा पूजा होता है, जहां में हमारा चर्च होता है, जहां में हमारा बुद्ध मंदिर होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, हमारे औरत को, क्योंकि हमने उनका बात नहीं माना तो हमारे औरत को उठाया जाता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर हम जवाब देते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को उठा लेंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा है। ये सब स्टेटमेंट्स जो दिया जा रहा है, मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑन बांग्लादेश, नॉट ऑन द पीपल ऑफ बांग्लादेश बट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, और मैं अपने दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका यह मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में, इंडिया में हम लोग मुस्लिम के ऊपर भी अटैक करें। जब 26 तारीख को हमारा रैली होगा इन सॉलिडेरिटी विद द माइनॉरिटीज, मैं आशा करता हूं कि त्रिपुरा का जो मुसलमान है वो भी हमारे संग कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहेगा और कंडेम करेगा बांग्लादेश सरकार का एक्शन, और मैं जानता हूं कि वो ऐसा ही करेंगे। देश में आप अपने लोगों को ऐसे तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते, और बांग्लादेश हाई कमिश्नर जो त्रिपुरा में बैठा है उनका क्या बयान है, वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर, बांग्लादेश एम्बेसडर टू इंडिया, उनका क्या बयान है, ये भी हमको मालूम करना है। अगर आज हम लोग सब जो त्रिपुरा में रहते हैं, आपने देखा है, आप लोगों का भी घर बांग्लादेश में था, हुआ खागड़छड़ी में हो रहा है, ये कब तक चलेगा। जब भी मौका मिलता है हमारे माइनॉरिटीज को बताया जाता है कि ये आपका जगह नहीं है, आप यहां से हटिए, हम लोग क्यों हटेंगे,
वो जगह हमारा है, हम लोग हजार साल से रहे हैं। और अगर बांग्लादेश अपना रवैया चेंज नहीं करता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सामने। बांग्लादेश आज वर्ल्ड का नंबर वन गारमेंट मैन्युफैक्चरर है। मुझे नहीं लगता है कि 99% मुस्लिम्स अग्री करते हैं जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, बुद्धिस्ट के साथ क्या हो रहा है। तो हमें ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जहां में देश के नागरिक को हम अटैक करें। और अगर यहां में 1% लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उनका काम है कानून से, कानून उनको अरेस्ट करेगा, कानून उनको जेल में डालेगा, हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना। पिछले 2-3 महीने पहले बांग्लादेश में जो कोटा आंदोलन हुआ था, कोटा आंदोलन में बीरचंद्र लाइब्रेरी को तोड़ा गया, जलाया गया, किताब जलाया गया, पुराना किताब। अचानक वहां के इंडिजिनियस पीपल के ऊपर फिर से अटैक हो रहा है, क्या मकसद हो सकता है इस बार बार इस तरह इंडिजिनियस के ऊपर अटैक होने का? इंडिजिनियस नहीं, देखो वहां के लोग जमीन चाहते हैं, बांग्लादेश घट रहा है, उनको जमीन चाहिए। तो ये लोग मजहब के नाम में, खाने के नाम में, कपड़े के नाम में, ये लोग हमेशा हमें टारगेट करेंगे। मैंने यही बात पहले कहा, यही चीज कुमिल्ला में हुआ, यही चीज नोआखाली में हुआ, ये 1940 में भी हुआ, 46 में हुआ, 56 में हुआ, 65 में हुआ। तो ये पहला बार नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया हमेशा चुप बैठा था। जब राइट्स ऑफ कुमिल्ला 1946 में हुआ, महात्मा गांधी ने महाराजा वीर बिक्रम को चिट्ठी लिखा, इसी के लिए महाराजा ने जब जो शरणार्थी थे उनको जगा दिया। लेकिन अब टाइम आया है कि इंडिया को भी स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश उनका बाप का नहीं है, हमारे लोगों का भी है, हमारा भी रियासत। तो ये नहीं चलेगा कि वो लोग जब भी चाहे हम लोगों को मारे पीटे, बोले जाओ इंडिया, हम लोग क्यों जाए? ये हमारा जगह है, ये हमारा भूमि है, ये हमारा मंदिर है, हमारा घर है। और अगर हिंदुस्तान ताकत से माइनॉरिटीज के पीछे खड़ा रहता है, आई एम विथ माई कंट्री एंड आई विल टीच दीज पीपल। बांग्लादेश के कुछ इंटेलेक्चुअल तो नोटिस का कुछ पार्ट भी अपने हिस्से में लेने के लिए बात कर रही है, आप इस बारे में बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ बात करके? देखो इसलिए आप उनको इंटेलेक्चुअल मत बोलिए। अगर बंदर शेर का राजा बनना, जंगल का राजा बनना चाहता है तो बंदर तो शेर नहीं बनता है। बंदर सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदेगा, उनको आप इंटेलेक्चुअल मत बोलिए। 5 सेकंड लगेगा हमको दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को उनको लगाम में लाना चाहिए। जिस देश ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसने अपना जान दिया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके मुख में उन्होंने काला लगा दिया। वो देश में एक चीज तो दिखा दिया गया है कि इनके ये लोग बेईमान, इनके ऊपर एहसान फरामोश, दे आर अनग्रेटफुल। बट मैं अभी भी बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर पॉलिसी लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए। अभी पूजा आ रहा है, पूजा में फिर से ये लोग करेंगे। अभी अगर इंडिया ने स्ट्रांग स्टेप लिया, इसी के लिए 26 तारीख को हम लोग साबरूम में रैली कर रहे हैं, 2 बजे हमारा रैली है। मैं अपील करता हूं सबको, बंगालीज हो, चाकमाज हो, तिपरासा हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हम लोग सब साबरूम में रैली करेंगे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो बांग्लादेश में है। ये काम दूसरे पार्टी को भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा, हम लोग करेंगे। और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आप हमारे लोगों को कुछ करोगे। और अगर हमने इंटरनेशनल प्रेशर रखा, सैंक्शन रखा, जैसा बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक का पैसा आना बंद हुआ, एडीबी का पैसा आने बंद हुआ, तब ये लोग को फोर्स करके इनको हमारे लोगों को प्रोटेक्शन देना। कुछ लोगों का मानना जियो पोलिटिकल अभी तो नहीं हुआ, ये देखो एक पॉलिसी है कि हम इन हमारे लोगों को, मैंने यही तो कहा, ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है। नोआखाली में क्या हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में क्या हुआ, आज कोई इतने लोग जो त्रिपुरा में है, कोई दिल ऐसी छोड़कर आ गया त्रिपुरा? नहीं, मारा गया, मर्डर किया गया, रेप किया गया, घर जलाया गया, मंदिर को जलाया गया, चर्चेस गॉट बर्न, बुद्धिस्ट मंक्स वर बीटन अप,
तो ये जियोपॉलिटिकल नहीं, ये है क्रिमिनल एक्ट. जियोपॉलिटिकल होता है व्हेन यू डू इट टू अचीव अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट. या यू डूइंग इट बिकॉज यू आर फैनेटिकल. सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू कम अप विद अ पॉलिसी. क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी? हमारा पॉलिसी पिछले 50 साल से है कि शेख हसीना मुजीबुर रहमान फैमिली इज अ फ्रेंड. एक परिवार हमारा दोस्त है, लेकिन देश में बहुत लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है. आज श्रीलंका इंडिया का अगेंस्ट है, नेपाल में इंडिया का अगेंस्ट पॉलिसी है, पाकिस्तान तो पहले से इंडिया का अगेंस्ट था, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन है, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब पॉलिसी निकालना चाहिए कि इन लोगों को एक सबक सिखाया जाए.